आज के दिन में दो खबर मिली। पहली है यश 19 का नाम, जिसका नाम रखा गया है टॉक्सिक, और दूसरा जो है एक टीजर आया है बॉलीवुड की तरफ से, जिसमें है ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, और इस मूवी का नाम है फाइटर। और इसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, जो कि 25 जनवरी में इस मूवी को लेकर आ रहे हैं। और ये एक पैट्रियोटिक मूवी होने वाली है, इसमें कि हमें पूरा का पूरा एरियल शॉट दिखने वाला है। और ये मूवी पूरी की पूरी एयरफोर्स के ऊपर बनाई गई है। और इस मूवी से पहले एक मूवी आई थी तेजस, वो भी एयरफोर्स के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप रही, क्योंकि इस मूवी को बहुत टाइम देके बनाया गया है, इसका बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है, जिसकी वजह से इस मूवी का जो लुक है बहुत ही अच्छा निखर कर आ रहा है। टीजर में अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन बहुत ही ऑसम लग रहे हैं। इसका जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा ब्लूइश और ग्रीनिश में रखा गया, जो कि सुंदर सा लग रहा है भाई साहब। और स्लो मोशन तो बहुत ही मजा आ रहा है देख के, जिस तरह से एकदम साउंड बीजीएम के साथ एकदम स्लो हो जा रहा है सीन, वो तो और भी जबरदस्त लग रहा था। दो फाइटर प्लेन आपस में कैसे क्रॉस कर रहे हैं, कैसे जमीनी तल से बिल्कुल फाइटर प्लेन उड़ के जा रहा है, वो सारा सीन बहुत ही जबरदस्त है। और मूवी भी आने वाली है IMAX 3D में, यानी कि पूरा डबल पैसा वसूल करने वाली है मूवी। मूवी का बजट है 250 करोड़, जिसमें कि आधा बजट तो फीस देने में चली गई होगी, वो हम सबको दिख रहा है, लेकिन आधे बजट में ही पूरी फिल्म को बनाई गई है। और उम्मीद भी यही है कि भाई फिल्म बहुत अच्छी हो, क्योंकि बहुत टाइम लिया गया इस मूवी को बनाने के लिए, करीब 2 साल इस मूवी को लगे हैं बनाने के लिए तो। और मूवी इस तरह का प्रॉमिस भी कर रही है, लेकिन हर बार की तरह मैं इस बार भी चिंतित हूँ कि भाई बॉलीवुड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाती है कि नहीं कर पाती। जैसे साउथ इंडस्ट्री अपने एक्टर, अपनी स्टोरी को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही है और वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्या वैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री कर सकती है? बस मुझे इस बात की टेंशन है कि भाई अगर ये भी ऐसा कर जाती है ना, तो भाई मजा ही जाएगा। क्योंकि हम आज के डेट में जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, चाहे बड़ी से बड़ी मासी फिल्में भी देखते हैं, तो उसमें सारा का सारा जो टच है ना, एक जैसा ही दिखता है। पता नहीं क्यों, जो भी डायरेक्टर आ रहा है वो एक जैसी फिल्में बना रहा है, एक जैसा टोन रख रहा है मूवी का, और एक जैसा एंडिंग होता है, तो वो चीज समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। और इसमें भी देखो, इतना अच्छा टीजर है, एयरफोर्स के स्टार्स के ऊपर बनी हुई मूवी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक आइटम सॉन्ग रखा गया है, उस तरह का क्लब वाला सीन दिखाया जा रहा है। तो भाई अगर कोई एयरफोर्स का बंदा है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कम से कम आइटम सॉन्ग तो मत रखो यार। माना कि ऋतिक रोशन की बॉडी बहुत अच्छी है, उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, उनकी डांसिंग स्किल बहुत अच्छी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हर फिल्म में नचाते रहोगे। और वही चीज मुझे खटक रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया गया है यार, बस थोड़ा सा इसके लिए चिंतित हूँ। अगर वो चाहते तो उनके लुक के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से वो चीज को हटा भी सकते थे, पर ये हम सबको पता है कि उन्होंने वो आइटम सॉन्ग किन के लिए रखा है, और मुझे लग रहा है कि भाई स्टोरी में उसकी जरूरत तो नहीं थी। अगर आपको भी ये टीजर और जो मेरी बातें हैं सही लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं भी लगी हो तो भी बता देना, अच्छा हो बुरा हो जो भी आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं इस तरह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।